पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी तीन बातों के लिए कार्य कर रही है, ढांचे और व्यवस्था में बदलाव को लेकर, मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्र विकास, भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनाना बल्कि भारत ही बनाना है, राजनीति को भारत के लिए बनाना है। इन बातों को लेकर हम देश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वाभिमान पार्टी तीन बातों के लिए कार्य कर रही है, ढांचे और व्यवस्था में बदलाव को लेकर, मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्र विकास, भारत को चीन या अमेरिका नहीं बनाना बल्कि भारत ही बनाना है, राजनीति को भारत के लिए बनाना है। इन बातों को लेकर हम देश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश में मंडी व कांगड़ा संसदीय लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना, जंगलों को अवैध कब्जों से मुक्ति तथा पोंग बांध के स्थापना के समय जो 28,000 लोग विस्थापित हुए हैं उनकी मांग को उठाना। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि स्वाभिमान पार्टी नई है, हम चंदा नहीं लेते, साधन सीमित हैं। बिहार में हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, साधनों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, आगामी 20 चुनाव में विस्तार होगा। देखिए, हम बहुत छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन हम बाकी पार्टियों से अलग होकर तीन बातों के लिए काम कर रहे हैं कि व्यवस्था और ढांचे का परिवर्तन, दूसरी बात मनुष्य मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, और तीसरी बात भारत को अमेरिका या चीन या इंग्लैंड नहीं बनाना है, भारत को भारत बनाना है, और राजनीति को अमीर परस्त और विदेश परस्त राजनीति से हटा करके गरीब परस्त भारत परस्त राजनीति बनाना है। इसी बात को लेकर के हम देश के कुछ स्थानों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस शिमला में हम दो स्थानों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक विशेष बात, यहाँ मतलब हिमाचल प्रदेश में, शिमला में नहीं, हिमाचल प्रदेश में मंडी और कांगड़ा, इन दो लोकसभा पर हम लड़ रहे हैं, और इसके पीछे हमारा एक ही ध्येय है कि यहाँ का जो पर्यावरण जो बिगड़ रहा है और जो जंगल की जमीन मनुष्य उसको कब्जा करता जा रहा है और वहाँ के जानवर शहर में आ रहे हैं, तो इस बात को बदलने की ज़रूरत है। प्रकृति केंद्रित विकास से ये बात संभव हो सकेगी। दूसरा, पोंग बांध वाली बात है। 63 साल पहले कांगड़ा जिले में पोंग जलाशय बना था और उसमें 28,000 लोग जो विस्थापित हुए थे उनका आज तक स्थापन नहीं हुआ है। उनकी लड़ाई भी हम इस चुनाव के माध्यम से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मैंने दो बातें आपको कही, एक तो हमारी पार्टी नई है, उसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, और बिहार में कुछ सीटों पर गलत ढंग से हमारे प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त किया गया है, उसकी लड़ाई भी हम जो कानूनी होगी वो लड़ेंगे। लेकिन जितनी हमारी ताकत है, साधन जितने हमारे पास हैं, क्योंकि हम कोई बड़े लोगों से चंदा लेते नहीं हैं, उस साधन के आधार पर हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली विधानसभाओं में हमको ऐसा लगता है कि हमारा ज़्यादा विस्तार होगा। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, इससे लड़ाई असमान हो जाती है, प्रत्याशी का चेहरा ही आने वाले समय में चिन्ह होगा। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि नोटबंदी के जो विवरण निकाले गए हैं, भारत के शुरू के 30 अमीरों की संपत्ति बढ़ गई है, मुकेश अंबानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला, उनका तो नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वही लोग भारत को बचा सकते हैं जो भारत को नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति शासन होगा, देश का विकास होगा। देखिए, चुनाव चिन्ह अनावश्यक है और ये उन राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्राप्त है, जिनके पास चिन्ह है, उनको लाभ पहुंचाने वाला, उनके लिए पक्षपात करने वाला है। जब आप वोटिंग मशीन में प्रत्याशी का चेहरा सामने ला देते हैं तो फिर चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में भी पार्टी का कहीं उल्लेख नहीं है और जीतता हारता व्यक्ति है, सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को ही मिलता है, इसलिए चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण लड़ाई आसमान हो जाती है और कई बार जब ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी हो जाते हैं तो चिन्ह को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि प्रत्याशी का चेहरा ही उसका चुनाव चिन्ह होगा और उसी के आधार पर। नोटबंदी को एक बहुत बड़ा फैसला और काले धन को वापस लाने का और भ्रष्टाचार को रोकने का बताया गया था, लेकिन अंत में जब उसकी विवरण निकल कर आए हैं, पहले साल में 2017 में और दूसरे साल में 2018 में और 2019 का तो अभी आना है,
तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 8 नवंबर 2017 को जो आंकड़े सामने आए उससे ये पता लगा है कि भारत के शुरू के 100 अमीरों की संपत्ति में 20% का इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति 24.31 लाख करोड़ से बढ़कर के 31.13 लाख करोड़ रुपए हो गई और अकेले मुकेश अंबानी की संपत्ति में 67% का इजाफा हुआ है। ये हर साल इसी प्रकार होता जा रहा है कि ये नोटबंदी ने बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया है और आम आदमी की नौकरियां छीनी हैं, उनकी आमदनी में कमी हुई है और देश के 90% जनता की आमदनी में केवल 1% की वृद्धि हुई है। मैं मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश के सामने संकट है उस संकट में केवल वही लोग निजात दिला सकते हैं जो भारत को समझते हैं और भारत को जानते हैं और जिनका चरित्र बेदाग हो, ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसीलिए हमने एक नारा अपने यहाँ दिया हुआ है, नशा मुक्त व्यक्ति, विश्व मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन देश ठीक हो जाएगा और हम इस प्रकार के प्रत्याशी और पार्टी देने की कोशिश कर रहे हैं।